जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस समय हम थाने के नजदीक एक नहर के साथ साथ पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ रहे हैं। शिवेंद्र, मौसम हो रहा है एकदम खतरनाक, चलो एक ट्रिप आते आते हैं। तो ये ट्रैवल शुरू इस बार अपने कबीले को इकट्ठा कर रहा है। तो हमारे इस कबीले में एक और बंदा, एक और कबीले वाला शामिल हुआ है। Hey, what's up? How are you? रौनक, उमी, और उसके बाद हम संजू को तो मिलने वाले ही हैं। तो who are we talking to? अरे हमारी ऑडियंस है, और वैसे भी हमारे ये दो बंदे जो हैं आज नहा के आए नहीं है, क्योंकि इनको पहले से पता था कि आज हम झरने के नीचे बैठ के वो मस्ती करने वाले हैं ना। तो हम पहुंच तो गए हमारे गाइड के साथ, संजू हमारा गाइड। फोन तगड़ा लग रहा है, किसका है? अरे नया लेके आया ये रौनक। रौनक कौन सा फोन करेंगे? M31। मेरा फोन जो है उसमें पानी चला गया और उसका कैमरा काम नहीं कर रहा है। शुरुआत समोसे से, और ये देखिए लज्जत है समोसे की। हवा आज क्यों गर्मी है? तो इसे कहते हैं भैंस गई पानी में, कहावतें ऐसी नहीं बनी है। तो भाई हाँ भाई, भैंस गई गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में। पर यहाँ पे एक भैंस नहीं है, कई सारी भैंसें हैं। जहाँ तक चेतक आ सकता था वहाँ तक चेतक आया। अब उसके बाद में हमें अपनी गाड़ियाँ बुलेट जो है वो खड़ी कर दी है, और यहाँ से हम धीरे धीरे पैदल जाएंगे। वहाँ पर गई भैंस पानी में, अब यहाँ पे जा रहे हैं गए लौंडे पानी में। गए लौंडे पानी में पिछले 22 दिन में ये चौथा ट्रिप है हम नेचर में जा रहे हैं। रास्ता धीरे धीरे चढ़ाई की ओर जा रहा है, और रास्ते में नज़ारे जो हैं वो वैसे हमेशा की तरह बदलते जा रहे हैं। उधर ना कौन, वो पहाड़ी आदमी है, ढूंढ लेगा रास्ता। मैंने सुना है कि यहाँ पे थोड़े लेपर्ड्स भी हैं। है संजू, कितने लेपर्ड्स हैं? 45 लेपर्ड्स हैं, और अजगर, पाइथन, स्नेक का कोई काउंट नहीं है। तो दोस्तों आप मिलना पसंद करोगे किसी पाइथन या सांप या लेपर्ड से? अजगर से। अजगर से, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग वाला वो पास भी लगे रहिए। एक्सक्लूसिव हमाम और उधर केले का पेड़। अरे वाह यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कहीं भी ट्रैक पे जाओ और वहाँ पे फ्रूट्स के पेड़ लगे हुए मिले। वो बात अलग है कि आज तक मुझे दिखे नहीं, ये पहली बार मुझे कुछ केले के पेड़ दिख रहे हैं यहाँ पे। पिछली बार मैं और संजीव जब गए थे हरिश्चंद्रगढ़, हम काफ़ी सारे सीड्स लेके गए थे पिछले जो 4-5 महीने लॉकडाउन में जितने भी फ्रूट्स खाए, तो वो सारे सीड्स हमने ड्राई किए। ड्राई करने के बाद में हम उसे लेके गए और हमने उसे पूरे जंगल में बिखेर दिया, अपने लिए नहीं लेकिन उन जानवरों के लिए जो वहाँ रहते हैं। तो ये भाई जो है उन्होंने हमारा चैनल देखा हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि हमने आपको कहीं पे देखा है, इससे बढ़िया और खुशी की बात और क्या हो सकती है। हाँ। जान से, जान से। आज ऋषि की कमी बड़ी घर गई है। कोई बात नहीं, उसके लिए एक बंदा बुला रखा है। साहिल हमाम। अरे बता इसको। हाँ। जो भी लेके आया था योगा मैट फायदा तो हुआ ना। लेकिन आज हमने ये डिसाइड किया है कि थोड़ा और आगे चलते हैं और थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कुछ नया मिलेगा। हमारे लिए भी नया होगा, आपके लिए तो नया होगा ही होगा। ओह यहाँ पे रेत बहुत है। आज जिंदगी ने हमें दोराय पे लाके खड़ा कर दिया है। इधर जाएंगे या इधर जाएंगे? क्या कि जहाँ पे पानी का बहाव ज़्यादा है वहाँ पे कम है, और वहाँ पे माउंटेन थोड़ा सा नीचे हो रहा है, यहाँ पे चढ़ रहा है, बेहतर ये इसी तरह से। तो हम धीरे धीरे बड़े वाले झरने की तरफ बढ़ रहे हैं। रौनक जो है ना वो परेशान हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो अपनी बाइकर वाली
जैकेट पहन के आया, उसके बैग में जा नहीं रही है। हिबिस्कस क्या है ये? इपो इपो क्रिप्टो क्या है? वाह, क्या बोलते हैं इसे? अच्छा लेमन ग्रास। लेमन ग्रास का पूरा झाड़ मैंने थोड़े घर के लिए भी ले लिया। आधे घंटे की वॉक के बाद में हमारा एक हॉल्ट है। हॉल्ट जो है बहुत ही खूबसूरत जगह, कुटिया। वैसे आज संजू ने वो काम किया जो अक्सर मैं किया करता हूँ, वैसे ये भी करता हमेशा। अरे यार संजू तू क्या कह रहा है? तू गैस लाए? ओए ओए ओए, तो लाइफ में एक कदम आगे बढ़ना किसे कहते हैं? जब इंसान ट्रैवल करते हुए अपना स्टोव छोटा वाला साथ में लेके चलता है। संजू क्या ब्रांड है ये? हेंस का सिलेंडर है, गैलेक्सी करके कंपनी आती। हाँ, इसका स्टोव। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 7 बार मैं ब्रेकफास्ट बना चुका हूँ। एक सिलेंडर से 7 बार ब्रेकफास्ट घर पे? बाहर 30 ऑमलेट और 5 मैगियां एक सिलेंडर से। एक सिलेंडर वही चल रहा है। अच्छा अभी भी वही चल रहा है? वही चल रहा है। क्या बात है भाई। इसमें एक इंस्ट्रक्शन बहुत स्ट्रिक्ट है कि आपको है ना इसमें ना घर पे ओपन स्पेस पे ही इसको यूज करना है, एनक्लोजर पे यूज नहीं करना, मतलब प्रेफर्ड है। अच्छा ये बोला गया है घर में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। संजू ने ना हरीश चंद्र में भी मैगी खिलाई थी सुबह चाइनीज सूप मैगी, राइट? हाँ वो चाइनीज सूप मैगी थी। संजू ने मैगी से ज्यादा अपना ध्यान जो है वो ऑमलेट पे लगाया है। उसने उसको एक तो कितना हेल्दी बनाया कि उसने उसमें ना तो बटर डाला ना ऑयल डाला, उसके बाद में उसने उसके बीच में चीज की लेयर भी डाली, लेमन ग्रास टी। अब आगे संजू जो है वो हमें लेके जा रहा है कहाँ? अपने वाटरफॉल की तरफ। वाटरफॉल? अपने वाटरफॉल की तरफ। वाटरफॉल तो अपने प्राइवेट वाटरफॉल जिसे मैं तो अक्सर कहता हूँ लगून, प्राइवेट लगून। यहाँ पर संजू ने कहा था कि 46 लैपर्ड्स हैं, तो हम पानी के रास्ते से यहाँ से निकलते तो जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंदर से यूँ भी होता है कि यार कहीं इस झाड़ी से थोड़ा आने जाए। तो वैसे तो मैं किसी को ऐसे रिकमेंड नहीं करता कि ऐसे ही निकल जाओ, हाँ लेकिन अगर आपको थोड़ी से टैक्टिक्स पता है जंगल में रहने के तो मैं कहूँगा कि आप जा सकते हैं, बट फिर भी मैं रिकमेंड नहीं करता। इतने 3 घंटे की मेहनत के बाद में बीच में 1 घंटे का हॉल्ट हुआ, अब पता है हम कहाँ पहुँचे? वो जल की मछली बन के। तो संजू रुक पड़े, अब तो आ जाओ भाई अंदर, अब रुका नहीं जा रहा यार, अब थोड़ी देर के बाद में मिलेंगे जब हमारे कपड़े हमारे तन पे नहीं रहेंगे।